छात्रों, मैं डॉक्टर शालिनी साहनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से त्रस्त है। इस महामारी ने मानव जाति के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न कर दिया है। समस्त यूरोपीय देश, अमेरिका, एशिया में भारत, पाकिस्तान इत्यादि लगभग 200 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। विश्व भर में संक्रमितों की संख्या 20 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। अकेले अमेरिका में ही 10 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और लगभग 53,000 मौतें अकेले अमेरिका में ही हो चुकी हैं। भारत में भी ये आंकड़ा अब डराने वाला हो चुका है। 28,000 के पार संक्रमितों की संख्या भारत में हो चुकी है। लाशों का अंबार लगा हुआ है। प्रलयंकारी स्थितियां देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये सभी दशाएं विचार करने पर बाध्य कर देती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी विषय पर मैंने कुछ मनन चिंतन किया है और मेरे कुछ मौलिक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कोरोना वायरस बनाम मानव जाति सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों दिल भरा सा रहता है। यही मानसिक स्थिति है हर मानव की। इस कोरोना वैश्विक महामारी के काल में मानव ने विज्ञान और तकनीकी की पराकाष्ठा छूकर स्वयं को परम शक्तिशाली सिद्ध करने के समस्त दावे प्रस्तुत कर डाले हैं। चंद्रमा और मंगल मिशन जैसे अभियान इसके उदाहरण भी हैं। अत्यंत उन्नत तकनीकी से विकसित हथियार, मिसाइलें, युद्धपोत, ड्रोन, लड़ाकू विमान पृथ्वी, आकाश व जल मार्गों में विजय प्राप्त करने हेतु असीम मारक क्षमताओं वाली युद्ध सामग्री से सज्ज सेनाएं, मानव को अजेय अपराजेय सिद्ध करने वाली समस्त विध्वंसक न्यूक्लियर सामग्री, उससे भी आगे विश्व को डराती बायोलॉजिकल युद्ध कला, सब कुछ तो अर्जित कर डाला है मानव जाति ने। अपनी अपनी सीमाओं में विभाजित देशों की दंभपूर्ण गर्जनाएं, सर्वाधिक शक्तिमान होने एवं वैश्विक वर्चस्व का लोप संवरण न कर पाने के कारण परस्पर धमकी देते राष्ट्र, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पहली, दूसरी, तीसरी पायदानों पर खड़े होने के दावों के साथ अपनी अपनी सुख संपन्नता का प्रदर्शन करते इन राष्ट्रों के मुखिया विकासशील एवं अपने अपने संकटों एवं संसाधनों से जूझते छोटे बड़े राष्ट्रों को समय समय पर सचेत करते गीदड़ भपकी देते ये मुखिया राष्ट्र, इनके आंतरिक मामलों, गृह युद्धों और संघर्षों के चलते उनमें अनायास नर्तन कूदन करती ये महाशक्तियां कहीं अपनी सेना भेजकर उन राष्ट्रों को दशकों तक युद्ध की विभीषिकाओं में डाल देने वाले ये राष्ट्र, वैश्वीकरण के चलते दुनिया के बाजारों पर अपना वर्चस्व सिद्ध करते तकनीकी व कूटनीति से अन्य राष्ट्रों को अपना आदि बनाते और बौना सिद्ध करते राष्ट्र, विश्व के मानचित्र पर यही उठापटक व अंधी दौड़ देखते युवा हुई हमारी यह पीढ़ी पहली बार एक परिवर्तित परिदृश्य की साक्षी बन रही है। समस्त भौतिक संपन्नता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी समृद्धि, चिकित्सकीय क्षमताएं व्यर्थ हो चली हैं एक अदना से वायरस के हाथों। कैसा क्रूर शिकंजा है इस अदृश्य वायरस का, जो किसी भी प्रकार से हाथ ही में नहीं आ रहा। समस्त मारक अस्त्र शस्त्र, अत्याधुनिक मिसाइल, टैंक, किसी की भी जद में ना आने वाला ये शत्रु ऐसे आक्रमण करता है कि इसकी सूचना नितांत अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उपकरणों से भी संभव नहीं। ये स्वयं को सर्वशक्तिमान एवं बुद्धि से अपराजेय मानने वाले मानव को अपने क्रूर पाश में लेकर उसकी सांसें ही थामे दे रहा है। ऐसा प्राणघाती वार है इसका कि सहायता करने वाला भी इसकी चपेट में आकर मरणासन्न हो जाता है। जल, थल, नभ तीनों ही सेनाओं की समस्त युद्ध नीतियां, चिकित्सकीय परिक्षेत्र की समस्त परीक्षण एवं रक्षण प्रणालियां सब नतमस्तक होकर संक्रमितों को प्राण गंवाते देखती रह जाती है। अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन जैसे नितांत भावुक पल भी गैर जरूरी होते जा रहे हैं। परिजन मृत देह को छूने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे अदृश्य शत्रु से युद्ध जीतना उस स्थिति में और भी दुरूह हो जाता है जब योद्धा को यह ज्ञात न हो कि शत्रु की शक्ति कितनी और किस सीमा तक है, उसको पराजित कैसे किया जा सकता है, उसकी दुर्बलता क्या है, उसकी समाप्ति कैसे हो। उस समय योद्धा अपने तुड़ीर से समस्त शर छोड़ता जाता है, अपनी सारी सेना झोंक देता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी अक्षौहिणी सेनाएं, अश्व, गज,
सब दांव पर लगा देता है और वह क्रमशः काल कवलित होती जाती है। परंतु शत्रु तब भी बिना रुके, बिना थके, बिना कोई भी मौका दिए मारने के लिए कटिबद्ध खड़ा रहता है। तब योद्धा किंग कर्तव्य विमूढ़ युद्ध भूमि में खड़ा विचार करता है कि क्या पराजित होना ही उसके भाग्य में लिखा है। यह वैश्विक परिदृश्य एवं दुखद स्थिति तब है जब एक वायरस जिसको COVID-19 या कोरोना नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, जो जिसने सारी मानव जाति को अपने ही हाथों से डरना सिखा दिया है, यह पूरे विश्व के हाथ धुलवा रहा है। यह विचार करने को बाध्य कर देता है कि यह मानव द्वारा किया गया कौन सा ऐसा पाप है जो मनुष्य के हाथों में चिपक गया है। हाथों से समस्त क्रियाओं का संपादन होने के कारण वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शारीरिक अंग है। पाप और पुण्य दोनों का संपादन करने वाला माध्यम हमारे हाथ ही है। ये कैसा कुचक्र रचा है इस अदृश्य शत्रु ने, जिसके कारण सभी को एकाकी जीवन जीने को बाध्य होना पड़ रहा है। घर, परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र, बाजार, सब और दूरी बनती जा रही है। मनुष्य अपने स्वजनों, पड़ोसियों सबसे दूर रहने को बाध्य है। अपने ही घर में पारिवारिक सदस्यों से भी नियत दूरी बनाकर रहना वर्तमान की आवश्यकता बनती जा रही है। देश, दुनिया की सीमाएं, जाति, धर्म, विचारधारा, पार्टी, संगठन, उच्च निम्न वर्ग के भेद क्या कम थे कि इस वायरस ने परिवारों को दूर दूर कर दिया। भौतिकता, स्वार्थपरायणता एवं संकीर्णताओं में डूबा मानव पहले ही इतना दूर हो चला था। अपनी जड़ों से एक अज्ञात अदृश्य शत्रु ने अब सबकी स्वतंत्रता पर, निर्बाध आवागमन पर, अपने संसाधनों के प्रयोग पर भी लगाम लगा दी। कितना भयावह परिदृश्य है ये विश्व पटल पर। विचार कीजिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह सब उसकी अंध दौड़ पर विराम लगाकर उसको कुछ समय विश्रांति देने के लिए ऐसा हो रहा है? उसको एक बार पुनर्विचार का अवसर प्रदान करने का और प्रायश्चित का अवसर प्रदान करने का समय है। मेरा मानना है कि यह सब नेपथ्य से आती एक चेतावनी की तरह है कि अब भी रुक जाओ, अब भी समय है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। यह समस्त मानव जाति के लिए वह समय है जब उसका अस्तित्व इस अज्ञात शत्रु के हाथों संकट में पड़ चुका है। यह अवसर है कि हम एकांत में बैठकर यह विचार करें, मंथन करें, मनन करें कि यह समय कैसे आया, इसका उत्तरदायी कौन है, क्या यह दौड़ यहीं रुकनी चाहिए या इस दौड़ के नियम और मार्ग परिवर्तित होने चाहिए, इस दौड़ में साथ लेकर क्या चलना है, इस दौड़ में क्या त्याग कर दौड़ना है, कुछ गलत घटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण यह स्थिति आ गई है कि दौड़ने वाला अकेला रह गया, सारा साजो सामान पीछे छूटता जा रहा है, क्योंकि ये दौड़ प्राण रक्षा की दौड़ बनती जा रही है। ये इनके इन प्रकार प्राण रह जाएं, बस इतनी ही कवायद शेष रह गई है इन दिनों, इतना बेबस और असहाय मानव कभी नहीं था। इस अदृश्य शत्रु के हाथों पराजित होती मानव जाति उससे विजयी होने की हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु इस शत्रु को पराजित करने की युक्ति नहीं खोजी जा सकी है। एक ओर तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर डाली है कि शरीर के बाह्य अंगों से लेकर आंतरिक अंगों तक का प्रत्यारोपण करने की क्षमता हम विकसित कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने उसको अशक्त और पंगु बना दिया है। इस वायरस ने क्या राजा, क्या प्रजा, क्या महाशक्ति, क्या विशिष्ट, क्या साधारण, सभी को इस विभीषिका का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये विभीषिका किसी का भी लिहाज नहीं करती। एक देश से दूसरे देश होती हुई इसने पूरे विश्व को दहला दिया है। सहमे देशों ने एक दूसरे के लिए अपनी अपनी सीमाएं बंद कर दी है। लॉकडाउन, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों द्वारा इसके प्रसार को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब विचारणीय है कि मानव तृष्णा की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप ऐसी आपदा को आमंत्रण मिला है, क्या यह सच है? पारिस्थितिकीय असंतुलन इस महामारी का केंद्रीय कारण है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य व दर्शन सभी जीवित प्रजातियों एवं प्रकृति में बराबरी की हिस्सेदारी व समान सम्मान की शिक्षा देते हैं। वैदिक ऋचाएं सभी के कल्याण की प्रार्थनाओं से समृद्ध है। वृक्षों, वनस्पतियों, औषधियों सबके संरक्षण की कामना की गई है, जिससे सभी प्राणी अन्न व खेतियों से समृद्ध रहें व रोगों से भी दूर रहें। सभी प्राणियों के हृदय में शांति, त्याग व सह अस्तित्व की भावना हो। प्रकृति का महत्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का संरक्षण हमारी प्राचीन परंपरा रही है। मानव जब तक प्रकृति के साथ इस संतुलन के महत्व को समझता रहा, तब तक स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहा। परंतु जैसे ही उसने इसका अतिक्रमण सीमा से अधिक करना प्रारंभ कर दिया, वैसे ही प्रकृति ने अपने विध्वंसक एवं विघटनकारी रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए। हमें स्मरण रहना चाहिए कि प्रकृति को तिरस्कृत करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, सृष्टि के प्रारंभ से वह हमारी पोषिका संवर्धिका व सहचरी है। हमें माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का स्मरण सदैव रहना चाहिए। न वित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य की तृष्णा की अंध दौड़ में जब प्रकृति का अत्यधिक संदोहन हो चुका है तब प्रकृति ने मानो अपना रौद्र रूप धर लिया है। समय समय पर प्रकृति सार्स इबोला नेपाह जैसे वायरसों के माध्यम से हमें चेतावनियां दे रही थी, परंतु हम नहीं रुके। अब पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था सामाजिक कार्य व्यवहार आवागमन सबको बाधित कर दिया है। अचानक प्रकृति ने हमें जड़ कर दिया है, मानो कह रही हो कि अब बहुत हुआ। उसने हमें मजबूर कर दिया है कि जो जहां है वहीं रहे। सारे कार्य व्यापार निर्माण उद्योग धंधे जीवन की गति थम सी गई है। मृत्यु का भयावह तांडव विश्व के कई देशों में सोच को मौन कर देता है। सब कुछ एकाएक ठप सा हो गया है। मनुष्य ठगा सा खड़ा है। मानव प्रकृति हम सबको रोककर अपनी व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने में लगी है। मानवीय हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण से त्रस्त प्रकृति घायल रक्त रंजित सी उसके क्रीड़ांगन में खेलता मनुष्य कब उसको पीड़ा पहुंचाने लगा पता भी नहीं चला। वही प्रकृति अब अपने धैर्य और क्षमाशीलता को त्याग कर दंड देने लगी है, जिसके कारण दुनिया हिल उठी है। मरने वालों की का आंकड़ा लाखों की संख्या को पार कर गया है। हमें पुनः स्मरण करना होगा कि हम प्रकृति से हैं, वह हमसे नहीं है। जिस आधिपत्यवादी धारणा के कारण हमने प्रकृति पर अत्याचार किए हैं वह वस्तुतः आत्मघाती है। हमें समझना होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ करके हम अपने अस्तित्व का को संकट में डाल चुके हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। हमें यह संकल्प करना होगा कि प्रकृति ने कोरोना रूपी जो दंड हमें दिया है उससे रक्षा के प्रयास यही है कि हम प्रकृति को उसके नैसर्गिक रूप में संवारने के प्रयत्नों में लग जाएं और पृथ्वी के पुनः संरक्षण संवर्धन हेतु प्रकृति की जैव विविधता उसके समस्त प्राकृतिक उपादानों के प्रति सम्मान का भाव रखें, खाद्य अखाद्य के भेद को समझें, तामसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जीवों के भक्षण की प्रवृत्ति को समाप्त करें, वन्य जीवों को उनके स्वतंत्र परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर प्रदान करें, उनकी सीमा में हस्तक्षेप न करें, नदी तालाबों के जलों को विष न बनाएं, जल को जीवन मानकर उसकी बर्बादी रोकें। यही कोविड-19 की विभीषिका से जूझ रहे विश्व को समझना होगा। अन्य कोई उपाय नहीं दिखता। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का यह मंत्र यहाँ विचारणीय है। असंबाधम मध्यतो मानवानाम यस्य उद्वता प्रवृत्ता समम बहु नाना वीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथ्वी न प्रतताम राध्यताम न। अर्थात वह पृथ्वी जो पर्वतों पठारों मैदानों के माध्यम से मनुष्यों एवं समस्त जीवों के लिए निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करती है, वो वृक्षों एवं विविध गुणों वाली औषधियों एवं जड़ी बूटियों को जन्म देती है, उन्हें परिपोषित करती है, वह हमें समृद्ध करे और हमें स्वस्थ बनाए। कितनी दिव्य और सार्वभौमिक वंदना प्रस्तुत है, वस्तुति है, इसे हमें स्मरण में रखना होगा। पुनः सबके आरोग्य एवं आयुष्य की कामना करती हुई मेरी यही कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। लाइक्स और कमेंट्स दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।